संघर्ष को स्वीकार करें और संघर्षशील बने, खुद भी महान बने और कोई महान बनाने के लिए प्रयास करें। मेरी सभी से ही प्रार्थना, हमारे भारत देश में ऐसे महान आत्माओं का जन्म हुआ, आगमन हुआ, उनके आगमन पर मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ और धन्यवाद करता हूँ। हिंदी चादर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पुरब मौके केंद्र सरकार वालों लाल किले से वड्डे पद्धर से समागम मनाया जा रहा है। उते हरियाणा सरकार वालों 24 अप्रैल नूं पानीपत विखे सूबा पदरी समागम करवाया जा रहा है। पानीपत विच वहीकल डॉक्टर दे मालक सुनील सागर ने कहा कि धर्म की खातर कुर्बानी देने वाले धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पुरब मनाने का मौका पानीपत की धरती मिले, जो पानीपत के वासियों लिए बड़े ही माण और सुभाग वाली गल है। सुनील सागर ने कहा कि वह भी मानवता ही सब तो वड्डा धर्म मानते हैं, इसलिए सारे लोगों को चाहिए कि 400 साल प्रकाश पुरब समागम पहुंच के गुरु साहिब नूं नमन करन, जिन्हां ने मानवता की खातर अपना बलिदान दिता, इसलिए उन्होंने हिंदी चादर नहीं बल्कि मानवता की चादर भी कहा जाता है। 24 अप्रैल को पानीपत में मनाए जा रहे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पर्व को लेकर जहां पर हरियाणा सरकार की ओर से पानीपत की धरती पर तैयारियां जोरों से की जा रही हैं, वहीं पानीपत की धरती की जनता भी इस समारोह को लेकर खासी उत्साहित हैं। तो पानीपत में व्हीकल डॉक्टर के मालिक हमारे साथ हैं सुनील जी। सुनील जी से जानते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं कि जो प्रयास हरियाणा सरकार कर रही है वो किस तरह का है। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है चढ़दी कला टाइम टीवी पर आपका। सत श्री अकाल सबको, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पानीपत में और सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है गुरु तेग बहादुर जी का। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि हमारे भारत देश में ऐसे महान आत्माओं का जन्म हुआ, आगमन हुआ, उनके आगमन पर मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ और धन्यवाद करता हूँ। ऐसे महान आत्माओं का यहाँ पे जन्म हुआ। मैं सुनील सागर व्हीकल डॉक्टर से आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, अधिक से अधिक संख्या में सहयोग करें और पूर्ण योगदान प्राप्त करें। सुनील जी, जिस तरह से इस बार प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है ताकि जिस तरह की कुर्बानियां गुरु साहिब ने दी थी उसके बारे में युवाओं तक और हरियाणा की जनता तक जो है उनका संदेश सही तरीके से पहुंच सके, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, युवाओं की अगर बात की जाए, नौजवान दुर्दशम बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बुराइयों में धस रहे। हमें ऐसे महान लोगों के पथ पर चलना है ताकि हमारा भविष्य और उज्जवल हो सके। मेरी प्रार्थना यही है कि ऐसे महान लोगों के संघर्ष को स्वीकार करें और संघर्षशील बने, खुद भी महान बने और कोई महान बनाने के लिए प्रयास करें। मेरी सभी से ही प्रार्थना है। सुनील जी, इस बार इन समारोहों की अगर बात करें तो विशेषता ये रहेगी कि राजनीति से ऊपर उठकर ये समारोह मनाया जा रहा है। ऐसे में वो राजनीतिक दल जो एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, वो नेता एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं, वो एक मंच पर एक जगह इकट्ठा होंगे, आपसी भाईचारे का संदेश भी यहाँ से जाएगा, तो आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं राजनीतिक भाषा नहीं समझ पाता हूँ, मैं तो एक मानवता की भाषा समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जीवन में और आगे से आगे बढ़ते रहें और ऐसे महान लोगों के साथ पद से पद मिलाकर चलते रहें। और एक ही मेरा एक उद्देश्य है कि सबसे पहले बोला जाता है निरोगी काया, हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो हम सभी प्रदर्शनी को बड़े अच्छे से देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। यही आपसे मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे सुनील सागर जी, जिनका यही कहना है कि भले ही हरियाणा सरकार इस तरह का प्रयास करने जा रही है कि राजनीति से उठकर जो है सभी विरोधी दल, मैं तो एक मानवता की भाषा समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जीवन में और आगे से आगे बढ़ते रहें और ऐसे महान लोगों के साथ पथ से पथ मिलाकर चलते रहें। और एक ही मेरा एक उद्देश्य है कि सबसे पहले बोला जाता है निरोगी काया, हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो हम सभी प्रदर्शनी को बड़े अच्छे से देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। यही आपसे मेरी प्रार्थना है।
धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे सुनील सागर जी, जिनका यही कहना है कि भले ही हरियाणा सरकार इस तरह का प्रयास करने जा रही है कि राजनीति से उठकर जो है सभी विरोधी दल हों, चाहे जो भी नेता हों, एक मंच पर इकट्ठे होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी बात की है अच्छी, कि राजनीति को ये नहीं समझते हैं, धर्म जो है वो मानवता धर्म को ही ये सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, और उसी मानवता की खातिर, उसी धर्म की खातिर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत दी थी, उन्होंने अपना बलिदान दिया था, और उसी संदेश को आज हरियाणा सरकार जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और इन्होंने भी अपील की है कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग इन समारोह में पहुंचें और गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त करें। चंडीकला टाइम टीवी के लिए मैं नीलकमल अपने सहयोगी हरप्रीत छतवाल के साथ पानीपत।